मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9। कक्षा 9 के बारे में हम भारतीय लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय लोकतंत्र में हमारे लोकतंत्र है वो कैसे होता है, यानी हमारे कल हमें पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में, यानी बंधन उसमें हम किस तरह दे सकते हैं और कितनी आयु वाले मतदान कर सकते हैं, यानी कि 18 वर्ष से वो जो 18 वर्ष से ऊपर होता है वो मतदान कर सकता है, यानी कि वो मताधिकार पा लेता है। उसके बारे में हम कल अध्ययन किया था। आज हम करेंगे लोकतंत्र और लोकमत्य जागृत करने वाले माध्यम, यानी लोकमत है हमारे लोकतंत्र है और लोकमत कौन से माध्यम है जिससे हम जागृत हो सकते हैं। उसमें हमारे फर्स्ट आता है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, जो उसके बाद में एक तीसरा पॉइंट है वो है प्रिजर्व। बहुत लोग उपयोग लेने लगे प्रचार प्रसार, यानी ज्यादा होने लगा है तो उसको उपयोग ज्यादा हो गया है। तो उसमें आधुनिक समय में लोगों अपनी बातचीत विचार करने में माध्यमों का उपयोग हो रहा था, जो बातचीत वो माध्यम थे उसका उपयोग है। इन माध्यम यानी कि दो भागों में आपको मैंने बताया इसको विभाजित किया गया है। जो हमारे बुजुर्ग है विचार दो प्रकार के बताए गए, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम के अंदर आधुनिक समय में हमारे दैनिक समाचार पत्र, जो हमारे दैनिक समाचार पत्र होते हैं और कौन से साप्ताहिक पाक्षिक, जो हमारे साप्ताहिक पाक्षिक होते हैं और दैनिक, जैसे आपको मालूम है दैनिक जो समाचार पत्र होते हैं तो उसमें हमारे को समाचार दिया जाता है। निश्चित प्रकार निश्चित प्रकार का इसमें मेन्दो माना गया, जो हमारे दैनिक प्रसार जो हमारे दैनिक समाचार पत्र है तो उसका महत्व अधिक दिया गया। इसके अंदर मुद्रित जो हमारा माध्यम है उसमें ऐसे माध्यम को छपकर मुद्रित में आने वाली जानकारी पढ़कर जानकारी प्राप्त करने में अभिप्राय स्वीकार या स्वीकार करते हैं। इसमें लोग एक ही बात को पढ़कर अलग अलग, जैसे हम समाचार पत्र आते हैं तो उसमें एक बात लोग पढ़ लेते हैं, जैसे हमारे पास जैसे कुछ काम है या उसको कारण हो गया कि ऐसे कुछ उनकी मृत्यु हो गई, जो हमारे आग लग गई थी तो जो गाड़ी थी उसको आग लग गई और उसको वो सभी मर गए थे। तो इसमें एक समाचार यानी कि हमारे यही बात पर होता है, तो इसके अंदर समाचार आ गया तो उसका लोग अलग अलग यानी कि अपने बताते हैं कि वो अपना देता है, कोई अलग देता है, तो ऐसे अलग अलग इसमें कारण बताते हैं, यानी कि अपना सारा बता देते हैं कि ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। कुछ छपी हुई तथ्य किसी भी प्रकार पूरा योग अत्यावश्यक गलत लोग मत निर्मित करने के लिए सरकार अपनी सीढ़ियों की बताए अपनी गलतियां निष्फलता जो अपनी गलतियां होती है कमियों को छुपा लेता है, इसके अंदर कमियों को छुपा लेता है। ऐसा ना हो अपनी स्वतंत्रता का होना, जो हमारी गलतियाँ होती है निष्फलता होता है उसके कमियों को छुपा ले ऐसा न हो, इसलिए अखबारी स्वतंत्रता होना, अखबारी स्वतंत्रता होना यानी अखबार को स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसे छुपाना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार की गलती हो तो उसे बताना चाहिए, इससे
पारदर्शी विविधताएं जो विविधताएं हैं वाला देश के कारण इन अधिक जो कारण है तो विविधताओं के बीच में हमारे भाषाओं का महत्वपूर्ण उसमें भूमिका निभाते हैं। जहां साक्षरता का प्रमाण कम हो ऐसे देश में प्रदेशों को मुद्रित माध्यम लोक जागृत करने में असकारक साबित नहीं हो पाते। जो हमारे देश के अंदर लोकमत है उसको जागृत करने वाले माध्यम वो असकारक नहीं हो जो साबित नहीं हो पाते हैं। इसके बावजूद हमारे मुद्रित साहित्य जो हमारे मुद्रित माध्यम है यानी कि साहित्यों के प्रभाव में विश्व संगठन जो हमारे औद्योगिक समुदाय है उसके दैनिक समाज दैनिक पत्रों और अखबारों जो हमारे दैनिक पत्रों का अब इसमें जो मुद्रित हमारे हैं माध्यम तो उसमें दैनिक समाचार और दैनिक पत्रों का क्या हुआ है प्रकाशन हो गया है यानी उसका उसमें महत्व यानी दिया गया है जो दैनिक समाचार है और पत्रों का उसमें महत्व है। इस प्रकार सरकार ने अनेक सामाजिक और जानकारी देने वाले अंशों का यानी उसमें जो संवाद है वो सरकार ने समाज के अंदर देने को देने वाली जानकारी प्राप्त करते हैं। हम अगला यानी उसका प्रकाशन किया गया हम आपको पता है लोकतंत्र में लोकमत यानी इसके मुद्रित माध्यम के बारे में बताया गया यानी कि इसमें क्या है जो हमारे समाचार पत्र है जो अखबार अखबार स्वतंत्रता है सबसे पहले इसमें है अखबार स्वतंत्रता का होना चाहिए और इसमें क्या बताया गया हमारे जो गलतियां हैं जो हमारे माध्यम है जो समाचार पत्र है उसके बाद हमारे साप्ताहिक जो हमारे साप्ताहिक प्रशिक्षण इसी प्रकार का इसमें